गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस भी कर लिया था, ठीक है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आवर टॉपिक इज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रियल। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। तो आपको बस आपको क्या करना है, फॉर्मुला याद रखना। अगर आपको फॉर्मुला याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो। बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब मीनिंग क्या है, थोड़ा बात को समझिए आप थोड़ा, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि आप किसी रिएक्शन को, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको मॉनिटर किस तरीके से कर रहे हो, टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, टी इक्वल टू टी पे क्या है, टी इक्वल टू टी पे क्या हो रहा है भैया, तो उस तरीके से हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज आते हैं मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है 1/T ln A0/AT। क्या फॉर्मूला होता है, ln k बराबर क्या होता है 1/T ln A0/AT। ये हमने फॉर्मूला देखा भी था बेटा, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सबसे, ठीक है। अभी बात यहाँ पे क्या है, A0/AT क्या है, A0/AT को भाई ओवरऑल तो क्या है, रिएक्टेंट है। A0/AT अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका क्यों यूनिट होगा, तो बस हाँ आप अगर सोच रहे तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आप A0/AT को वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको मोल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप A0/AT को किसी भी तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, उसके बाद आप इसको मोलरिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको नॉर्मलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको किस किस, आप इसको प्रेशर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, प्रेशर के फॉर्मेट से भी आप लिख सकते हो, आप इसको वॉल्यूम के फॉर्मेट से भी लिख सकते हो, आप इसको एंगल ऑफ रोटेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रेशर, वॉल्यूम और एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मतलब ऑब्वियस बात है, H2O2 आ गया मतलब यहाँ पे एसिड बेस का क्या आ जाएगा, टाइट्रेशन आ जाएगा। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं, हम कुछ तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस करना सीखेंगे वो आप प्रेशर रिलेटेड, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन कैसे आता है, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप एन अवस्थी सॉल्व कर रहे हो या जो भी आप शीट आपको जो दिए गए हैं रोटरी वाला वो भी सॉल्व करते हो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। आप इसको बेसिकली, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही रहते हैं, आपको मैं प्रॉब्लम वाइज ही समझाता हूँ इनको, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ए गैस टेंड्स टू गिव टू बी गैस प्लस सी गैस, ए गैस प्लस एच टू बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। अब इनिशियली क्या होता है, देखो यहाँ पे चीजें बस स्टेप सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, आप क्वेश्चन कोई भी फॉर्मेट का इजिली बना सकते हो। तो क्या होगा, लेट एस द टी इक्वल टू जीरो पे जब इनिशियल होगा तो ऑब्वियस हमारा प्रोडक्ट उस केस में बना नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। लेट रिएक्टेंट का प्रेशर मैं क्या मानता हूँ, पी नॉट मानता हूँ, मतलब ये जीरो जीरो होंगे। T equal to T पे कुछ समय के बाद मान लो P naught में से P चला गया, P naught में से P1 चला गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2P1 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, P1 बनेगा। भाई बस समय बहुत ज्यादा समय के बाद अब ऑलमोस्ट रिएक्शन मेरा टेंड्स टू इनफिनाइट में चला गया, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट हुआ नहीं, बट मैंने आपको याद होगा कल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब रिएक्शन 99.9% भी या 99% भी होता है तो भी हम उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट मान लेते हैं। तो मैं ऐसा मान करता हूं मैं टी इनफिनिट टाइम पे ऑलमोस्ट रिएक्शन क्या हो चुका मेरा कंप्लीट हो चुका, तो ये कितना बनेगा, ये जीरो बनेगा, ये पी नॉट बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका पी नॉट बनेगा, ऑब्वियस से बात, ठीक है। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर से क्वेश्चन सपोज कर ऐसा है, लेट इनिशियल प्रेशर Initial pressure
of reactant is P2, of reactant is P2, of reactant is P2, and pressure after time T, and pressure after time T, and pressure after time T of reactant, of reactant is P3, pressure after time T of reactant is P3. Derive expression. कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इनिशियल प्रेशर आपको कितना बोला है, P नॉट हमने माना था, अब उसको हम क्या मानेंगे, P2 मानेंगे। आपका टाइम टी रिएक्टेंट का मतलब P नॉट माइनस P1 कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा। यही तो बोला है, इसके अलावा उसने कुछ बोला नहीं है, इसके अलावा कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, कि मुझे इसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, तो K बराबर मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 1 बाय टी ln P2 बाय P3। क्या बहुत हार्ड था, कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह वैल्यू दी जाएगी, तो बस आपको चीजें समझना कि किसको किससे रिप्लेस करना है, ठीक है। लेट्स से एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, P2 बाय P3, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln 1 बाय टी ln P0 बाय P0 माइनस P1। तो P0 के वैल्यू मैंने P2 माना, P0 माइनस P1 के वैल्यू मैंने P3 माना, तो उसी का एक्सप्रेशन पूछा था खत्म बात, ठीक है। इनिशियल प्रेशर इज P2, इसे मैं पैरामीटर कर दे रहा हूं, मैं आपको बेटर समझ में आ जाएगा, इनिशियल प्रेशर इज P2, अभी भी इनिशियल प्रेशर P2 है, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t, एंड प्रेशर हाफ, एंड टोटल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t is P3, again derive expression, expression का आपको क्या करना है, derive करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो initial pressure आके नहीं मेरा P0 बराबर क्या था, P2 था, अब total pressure आप कर टाइम में, total pressure अब मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे total pressure कितना हो जाएगा, P0 plus P1, V1 cancel हो जाएगा, तो P0 plus 2P1, इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया, बस यहाँ पे केमिकल प्लस काइनेटिक्स का कॉम्बिनेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ काइनेटिक्स का, मैं बोल सकता हूँ P0 plus 2P1 वो किसके बराबर है, मेरा P3 के बराबर है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो भाग मेरे मेरे को मतलब इस प्रेशर से कि मुझे इसका प्रेशर कैसे मिलेगा, मतलब ये जो PT है, ठीक है, ये जो PT है ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए पहले मैं P1 को रिप्लेस कर देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ P3 को लिख देता हूँ, P3 माइनस P0 बाय 2 is equal to क्या हो जाएगा P1। अब एक आप बताओ K बराबर क्या हो जाएगा, 1 by T ln P0 by P0 minus P1, तो P0 तो ऐसे ले रहे हैं, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, P3 minus P0 by 2, ठीक है, टाइटल में एक्सप्रेशन बनेगा ln 1 by T P0 by और 2P0, 2P0 minus P0, P0, P0 minus P3 by 2 पर चला जाएगा, इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। तो आई होप सो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन लोग कर भी लोगे, है ना, कर लोगे मेरे हिसाब से। टोटल प्रेशर P3 है ना, P0 plus 2P1 बराबर, तो ये कितना तो ये चीजों का थोड़ा छोटे छोटे चीजों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो मेरे से गलती हो गई, आप तो गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं बेटा, ठीक है। चलो अब फिर से अगेन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसी के अंदर, मान लो इनिशियल प्रेशर इज P2, इज P2 एंड इज P2, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ P एंड पार्शियल प्रेशर
चेंज है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर मुझे बताइए कि एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली कितना होगा।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ऊपर मैं ले लेता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने देता हूँ, छोड़ दो आपके लिए क्या छोड़ो, मैं कर दूंगा। पी टू बराबर आ जाएगा पी थ्री बाय थ्री डिवाइडेड बाय पी थ्री बाय थ्री माइनस, ठीक है, थ्री पी टू माइनस पी थ्री बाय सिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थ्री कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री और यहाँ बचेगा कितना टू, तो अब एग्जैक्ट कितना आंसर हो जाएगा, अब ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो वन बाई डी एल एन टू पी थ्री बाय टू पी थ्री माइनस थ्री पी टू प्लस पी पी थ्री वन बाय डी एल एन टू पी थ्री बाय थ्री पी थ्री माइनस माइनस थ्री पी टू थ्री पी थ्री माइनस थ्री पी टू हाँ थ्री पी थ्री माइनस थ्री पी टू आप उसका ऐसा भी लिख सकते हो, थ्री कॉमन लेके पी थ्री माइनस पी टू भी लिख सकते हो, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से मेरा आंसर चेंज हो जाता है। देखो अभी तक क्या किया था, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम में मैंने क्या किया था, सब जगह गैसेस ली थी, बस मैंने क्या किया क्वेश्चन में वैरायटी किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता, ये प्रेशर देगा, ये इसका टोटल प्रेशर देगा, इनिशियल प्रेशर कुछ और देगा, आपको क्या करना है, या तो वो आपसे एक्सप्रेशन डिराइव करने बोलेगा या तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा, उसकी जगह बस क्वेश्चन सॉल्व में क्या होगा, बस पहले आपको डिराइव करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब आपको आंसर निकालना पड़ेगा, बट फर्क इतना ही है, न्यूमेरिकल में क्या होता है थोड़ा स्टेप ज्यादा जाता है, स्टेप ज्यादा इसके लिए करके आपको पहले डिराइव करना सीखना पड़ेगा कि डिराइव कैसे किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन में सॉलिड और लिक्विड दोनों दे दिया जाता है, तो इस बात में याद रखना कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में समझना, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया तो कंसिडर करो, अदरवाइज लिक्विड को भी आप क्या मान सकते हो, कॉन्स्टेंट मान सकते हो, अगर लिक्विड का कुछ नहीं दिया तो। ठीक है, सॉलिड का रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट ही रहेगा, है ना, वो तब नहीं पड़ा क्योंकि इनका वो डिफ्यूजन होता बहुत ज्यादा नहीं होता है, गैसेस के कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट इनकी एक्टिविटी कॉन्स्टेंट क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानते हैं, derive expression for k.
आपको k के लिए क्या करा एक्सप्रेशन डिराइव करा तो कुछ नहीं, पहले मैं लिख देता हूं रिएक्शन 2a टेंड्स टू गिव dp गैस प्लस 4c गैस प्लस b सॉलिड प्लस e लिक्विड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 0 पे मान लो इनिशियल प्रेशर p नॉट का तब ये 0 0 0 इसी के अकॉर्डिंग चलता हूं। आफ्टर टाइम t P0 माइनस अब मैं यहाँ पे P डैश लिखूंगा, क्यों, टोटल प्रेशर उसने P1 माना तो यहाँ पे P1 की जगह P डैश कह रहा हूँ, तो ये क्या होगा 3P डैश 4P डैश, ये तो जीरो होगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2, उसका ऑलरेडी उसने मेथड प्रेशर दिया हुआ है। तो उसने क्या क्या बोल रहा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर्मूला के पास इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, इनिशियल प्रेशर P0 दिया हुआ है, आफ्टर टाइम t मतलब P0 माइनस मतलब 6 प्लस 5p तीन और चार सात, अच्छा यहाँ पे 2p डैश होगा ना, सॉरी 2p डैश होगा क्योंकि 2 है ना, तो यहाँ पे 2p डैश हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 5p डैश प्लस p2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया तक आपको, मुझे क्या मतलब, अगर तो चीजें मेरी पता चल गई मुझे यहाँ पे प्रूव करना आंसर निकालना था ना, वही करते आ रहे हैं, तो p डैश बराबर क्या हो जाएगा p1 माइनस p2 माइनस p0 बाय 5। ठीक है, आ गया p1 पता है p0 पता है, गेट द पुट द वैल्यू गेट द आंसर 1 बाय t ln p0 बाय p0 माइनस p डैश है ना माइनस 2p डैश, तो ये 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उधर क्या हो जाएगा p1 माइनस p2 माइनस p0 बाय 5 बराबर, ये होगा 1 बाय t ln p0 by ये ना मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से है ना, तो 5p0 और ये 5p0 माइनस 2p1 प्लस 2p2 प्लस 2p0 जब ब्रैकेट साइन हटाएंगे और यहाँ का जो डिवाइडेड का अगर 5 है ये ऊपर चला जाएगा तो 1 by t ln 5p0 by क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 7p0 प्लस p2 माइनस 2p1। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा बेटा एग्जैक्ट आंसर होगा, आप इसको एग्जैक्ट इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो ये हमारा था ओवरऑल व्हाट प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम में ज्यादा से ज्यादा इससे वैरायटी आ सकती है और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करने सिखा दिया कि कैसे कैसे वैरायटी में एक्सप्रेशन डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सेकंड हमारा वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम का सवाल पूछते हैं ना, मुझे पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेंपरेचर में क्या होता है, ये होता है ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर टेंपरेचर पे क्या होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इनमें किस टाइप के रिएक्शन है तो समझो, मान लो ट्वाइस ऑफ N2O5 एक्वस टेंड्स टू गिव 4 ऑफ N2 प्लस एक्वस 4 ऑफ N2 एक्वस प्लस H2O2 at first. Ticket.
H2O liquid, price of H2O liquid plus O2 gas, ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो price of A solid tends to give 3B gas plus C solid plus E liquid, ठीक है। अब आप ओवरलिंग रिएक्शन में क्या समझ पा रहे हैं, इन रिएक्शन में आपको ये समझ में आ रहा कि जो भी गैस है मेरा वो प्रोडक्ट साइड में, तो याद रखना वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम तभी वैलिड हो सकता है जब कम से कम एक गैस प्रोडक्ट में जरूर हो, रिएक्टेंट में नहीं होना चाहिए, रिएक्टेंट में होगा तो वो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो भी गैस रहेगा वो हमेशा प्रोडक्ट साइड रहेगा, रिएक्टेंट साइड वो गैस कभी भी नहीं रहेगा। और आपको क्या करना है, यही डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे ये कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है इस गैस का उसको स्टडी करके आपको फिर से वही फॉर्मूला k = 1/2 ln a0/at की जगह आपको v0/vt, ठीक है। लेकिन अभी आप v0 क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि v0 आपको सब वर्क करो इनिशियली v0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि गैस कभी भी बनेगा तो टाइम t पे ही बनेगा, इनिशियल तो कोई भी यहां पे सॉलिड एक्वस है तो हमेशा ही। अब यहां इसका मतलब यह बोल सकते हो कि यहां पे v0 का कांसेप्ट है, यहां पे vt होगा v इनफिनिट होगा बट v0 नहीं होगा, क्यों, प्रोडक्ट हमेशा टाइम t पे ही बनता है बराबर, या इनफिनिट टाइम पे बन सकता है बट इनिशियली हमेशा रिएक्टेंट होगा नहीं। और ये जो प्रॉब्लम है ये वैलिड तब होती है जब मेरे पास कम से कम एक गैस प्रोडक्ट में होना चाहिए, रिएक्टेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक्स ऑफ ऑल द ऑल रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ ऑल द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ ऑल द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ ऑल द अबव रिएक्शन व्हिच इज स्टडीड बाय मेंथी using the volume of gas, using the volume of gas collected at different time intervals, collected at different times. Collected at different time interval. Collected at different time interval. ठीक है, समझ में आया बेटा? आया ना? I hope so आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसका एग्जांपल मैं समझा के बता देता हूँ। N2O5 plus of N2O5 tends to give 4 of NO2 plus 2. ठीक है, सपोज करो ये है आपका, ठीक है। मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आपको इसको वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में डिराइव करना है, तो बस मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, a नॉट होगा तब ये जीरो जीरो होगा, t इक्वल टू t पे a नॉट माइनस 2x हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और t इक्वल टू इनफिनिट पे ये क्या होता है 4a0 होता है, और ये क्या होता है a0 होता है। इससे ज्यादा तो कुछ इसमें वैरायटी बन नहीं सकता मेरे हिसाब से, है ना, क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या ये मेरा नॉर्मल इक्वेशन होता था अगर ये वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता तो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला, इस टाइप की रिएक्शन स्टडी कब की जाती है, इस टाइप की स्टडी रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी कब की जाती है, हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना मिल रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट टाइम सी, एट टाइम पी इज वीटी, ठीक है। मैं क्या मानता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट टाइम टी इज वीटी, और इफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड है टाइम इनफाइनाइट इज वी इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा वी इनफाइनाइट, मतलब टाइम टी पे तो वी टी हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा वी, ये हो जाएगा वी इनफाइनाइट, मतलब क्या मानेंगे उसको वी इनफाइनाइट। तो आई बस हमारा मुझे पता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली यहां से निकल रहा है स्पेस है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो मुझे अब मुझे ऑब्जर्व किसको करना है, मुझे ऑब्जर्व किसको करना है, क्योंकि इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है,
मुझे जो डेरिवेशन निकालना है वहीं से निकालना। अच्छा एक बात बता दूं, यहां मैंने गलती कर दी, क्योंकि ये 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो यहां a0/2 आएगा, क्या आएगा, a0/2 आएगा। थोड़ी सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे मैंने गलती कर दी, ठीक है। यहां पे ट्वाइस ऑफ a0 आएगा और यहां पे a0/2, क्यों, क्योंकि ये 1:2 का रेशियो क्या है, 1:2 का है। यही मैंने गलती कर दी थी, यहां पे अगर a नॉट है तो ये इसका दुगना ही बनेगा और ये इसका आधा बनेगा, बराबर। तो यहाँ पे 4a0 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके इस अगर 4a0 का लिखते तो जब यहाँ पे 1 होता था, लेकिन यहाँ तो मेरा 2 है, तो अगर ये 2 और ये 4 है तो ये a0 है, तो ये 2a0 है ना, ये 2 और ये 1 है, तो यहाँ पे a0 का बदले a0/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो x को मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ, vt बोल सकता हूँ, क्या मैं x को डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, vt बोल सकता हूँ टाइम t पे, टाइम t पे, और टाइम t इनफिनिटी में मैं बोल सकता हूँ a0/2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, v इनफिनिटी हो जाएगा। क्या इसमें कोई दो राय की बात है, कुछ भी नहीं। तो कुछ नहीं, a0 की वैल्यू आपको बोल सकता हूँ मैं, a0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v इनफिनिटी हो जाएगा, और x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v के बराबर हो जाएगी। तो कुछ नहीं, k बराबर क्या हो जाएगा, k 1/2 ln a0 को मैं क्या लिखूंगा, a0 को मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ v इनफिनिटी बाय a0 - 2x, a0 - 2x, तो 2v इनफिनिटी - x 2 - 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ vt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ vt हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि 2x दिया बेटा और मैंने x की वैल्यू vt मानी, तो इसे 2 से कैंसिल कर दो, क्या आंसर क्या आ रहा है, वो होगा vt बराबर ln v इनफिनिटी बाय v इनफिनिटी माइनस आप मतलब सही से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, इनका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, बस आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशन सीखने के निकाला क्या जाता है, बस आपको करना यही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सिर्फ गैस पर फोकस करो, ये गैस है बेटा, अगर यहां से बनती हो भाई, ये एक्वस और ये भी एक्वस है, गैस है ये, तो आपको ऑब्जर्व सिर्फ फोटो को ही करना है, ठीक है। जिस बच्चे को फिर भी डाउट होगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ये मेरा रिएक्शन था। अब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है, कम से कम एक गैस होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो जब भी प्रोडक्ट साइड में एक गैस हो तो मतलब आपको वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। आप क्या मतलब t टाइम में मान लेता हूं vt है मेरा, जो भी गैस कलेक्ट हुआ ऑक्सीजन का वो vt वॉल्यूम है, और t इनफिनिट में मैं मान लेता हूं v इनफिनिट वॉल्यूम है ऑक्सीजन गैस का, इसका मतलब t इनफिनिट में कितना होगा, वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का x vt, और a0/2 क्या होगा, v इनफिनिट को बस x vt तो a0/2 v इनफिनिट, और मुझे क्या होगा a0 माइनस, अगर मैं इसको ऑर्डर वेव मोल्स के फॉर्मेट में इसको लिखता तो क्या निकला, a0/a0 - 2x, तो है ना, a0/a0 - 2x, a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इनफिनिट और 2x के मैंने खुद कर दिया, तो आपने मैंने क्या निकाल लिया, आंसर निकाला। तो ये आपका ऑलमोस्ट क्या हो गया, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेरा, अब तीसरा जो मेथड है वो हमारा रनर स्टैंडर्ड मेथड, वो भी हम देख लेते हैं, आसान सा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस चीजें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए, ये है बहुत आसान, बट डोंट वरी आज तक कभी एडवांस क्वेश्चन बने नहीं है, ये तब की बात है कि आज हर गलत बात पर भी आता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ही ऑलमोस्ट इतना है, वैरायटी में ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर में आपको दूसरी गलत नहीं पड़ना, ठीक है। Now let us try next method, Radoff's titration method. ठीक है? Radoff's titration method. Radoff's titration.
कंडक्शन मैथड। रेडॉक्स कंडक्शन मैथड क्या होता है? देखो रेडॉक्स कंडक्शन मैथड क्या होता है कि जनरली अगर मैं बात करूं कि ऐसा समझो रेडॉक्स कंडक्शन हम क्या करते हैं कि अननोन कंसंट्रेशन को बीकर में रखते हैं और नोन कंसंट्रेशन ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और हम क्या करते हैं उनके हर पॉइंट पे हर टाइम पे हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट्स को बराबर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम क्या करते हैं उनके वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं इनका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में मेरा वी नॉट नहीं आता था बट यहां पे मेरा वी नॉट आएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे वी इनफिनिटी आता था, यहां पे वी इनफिनिटी नहीं आएगा। आप ये बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो वहां पे क्या होता था ना, क्योंकि वहां वी नॉट नहीं होता था, लेकिन आपको सिर्फ आपका मतलब किससे था? प्रोडक्ट ऑफ गैस से था कि भाई गैसेस के प्रोडक्ट कितने थे। आप बट क्योंकि एक तो आपको टाइम टी पे मिला और एक बहुत सफिशिएंट टाइम के बाद मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे वी इनफिनिटी आता था। यहां पे क्या है, आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को रिएक्ट करवाने के लिए इनफिनिट टाइम तक ले जाने की जरूरत नहीं है। एक कुछ समय के बाद आपको पता चल जाता है क्योंकि वो कुछ समय के बाद वो अपना कलर खुद ही चेंज कर देता है, तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा दूर तक इसको रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने सपोज करो 50 ml का लिया तो 50 ml का आप टाइट्रेशन कितने देर तक कराओगे? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन वहां पे क्या होता, वहां पे आपको वो रिएक्शन दो दो चार चार छह छह घंटे चलते थे, इस वजह से वहां पे वी इनफिनिट लेना पड़ता था। बट यहाँ पे वी इनफिनिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सफिशियंट वॉल्यूम के बाद जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना कलर चेंज कर देगा और जैसे ही कलर चेंज कर देगा हम दोबारा टाइट्रेशन करते ही नहीं है ना, हम तो कभी दोबारा टाइट्रेशन का जरूरत ही नहीं करने के। इसका मतलब यहाँ पे वी इनफिनिटी नहीं आएगा, लेकिन वी नॉट आएगा। वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में वी नॉट नहीं आता था बट वी इनफिनिटी आता था। आई बात समझ में? आई होप सही से समझ में आ गया होगा। मैं लिख देता हूँ यही सब पॉइंट को, इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट In this matter, solution of reducing. तो आप एक अच्छा एक बात और जो reducing, मैंने आपको याद होगा monetary का progress में a0 by a2 को किससे replace कर सकते हैं? Weight से, mole से, normality, molality और मैंने volume strength of s2 को, तो जब volume strength of s2 को use करोगे तब आपका तीसरा है तब आपको याद होना तीसरा मेथड होगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने आपको वही बताया था, इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीटेड विद। अब रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या लेना है? अननोन लेना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेना है आपको? अननोन लेना है। ठीक है, उस बात को याद रखना है। सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ एजेंट ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एट requires for titration will be given in the problem। मैंने क्या बोला? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो H2O2 दोनों के डिसाइड कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कैसे और ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब मैं H2O2 को अननोन रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा हूँ, अननोन कंसंट्रेशन का रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा हूँ, और मैं कोई नॉन कंसंट्रेशन नॉन स्ट्रेंथ का मतलब जिसका मुझे कंसंट्रेशन सब पता है ऐसा ले रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे उनकी रिएक्शन करवा के देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? ट्वाइस ऑफ H2O2 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। ठीक है,
तो काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय, लिख देता हूँ मैं, काइनेटिक्स ऑफ अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय, काइनेटिक्स ऑफ अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय टाइटरेटिंग द गिवन रिएक्शन, टाइटरेटिंग द गिवन रिएक्शन, टाइटरेटिंग द गिवन रिएक्शन मिक्सचर विथ आर, टाइटरेटिंग द गिवन रिएक्शन मिक्सचर विथ आर स्टैंडर्ड, विथ आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, विथ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्स, एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्स, एंड वॉल्यूम्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्स फॉर टाइट्रेशन एट डिफरेंट टाइम, फॉर टाइट्रेशन एट डिफरेंट टाइम, फॉर टाइट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्स फॉर टाइट्रेशन For titration at different time intervals will be given in the problem. Will be given in the problem. ठीक है? मैंने क्या किया? Above kinetics को study करना है क्योंकि मुझे इसका unknown strength है. मैं कोई known strength का KMnO4 ले रहा हूँ. Different different time interval पे मैं क्या कर रहा हूँ? इनका volume check कर रहा हूँ. क्योंकि different different time आप जैसे जैसे drop by drop डालोगे S2O2 KMnO4 को KMnO4 S2O2 क्या करेगा? Oxidize कर देगा. वॉल्यूम कम होता जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे इसका वॉल्यूम लिया जाएगा. आपको बस इसका स्टडी करना फर्स्ट ऑर्डर के जैसे, तो कुछ नहीं करना है. तो सपोज करो इसमें करना क्या होगा, मैं V0 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट t इक्वल टू 0, और VT क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट t इक्वल टू t. ये दो टाइम पे आपको V0 दिया हुआ है. ठीक है, अब इसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ t इक्वल टू 0 पे, ये A0 होगा, तब यहाँ पे A00 होगा. ठीक है, इसके नीचे, और t इक्वल टू t पे क्या होगा, A0 माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नॉर्मली फॉर्मूला मेरा क्या होता है, k बराबर क्या होता है, 1/t ln A0 बाय A0 माइनस 2x होता है. क्या होता था, A0 बाय A0 माइनस 2x. ठीक है, अब याद करो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे करते थे कि हर केस, हर टाइम पर क्या करते थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम बराबर करते थे. क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के मेरे पास दो ही फॉर्मूला होते हैं, या तो n इंटू वी होगा और या तो n फैक्टर इंटू मोल्स होगा. इसके अलावा कोई फॉर्मूला होगा नहीं. क्या होगा, तो मुझे ये पता है कि हर पॉइंट पे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. हर टाइम पे बस आपको यही फॉर्मूला पुट करना है. लेट t इक्वल टू 0 पे इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट n V0, मैंने नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ लिया जिसका वॉल्यूम क्या था, V0 था. ठीक है, और इसका एन फैक्टर, लेट इस H2O2 का एन फैक्टर n है, और मैंने मोल्स कितने लिए, A0. इनिशियल t इक्वल टू 0 पे यही होगा वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट n V0, क्योंकि मुझे इसका वॉल्यूम दिया हुआ, लेकिन मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या पता है, मोल्स पता है, तो मैं n इनटू A0. ठीक है, t इक्वल टू t पे क्या होगा, ठीक है, t इक्वल टू t पे हो जाएगा मेरा n VT इज इक्वल टू होगा n फैक्टर इनटू A0 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 माइनस 2x. मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल. ठीक है, तो यहां पे आपको सिंपल सिंपल से क्या मिल रहा है, V0 बाय VT बराबर क्या हो जाएगा, A0 माइनस 2x, A0 बाय A0 माइनस 2x. इसका मतलब ये हो जाएगा कि k का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/t ln V0 बाय VT. दैट्स इट, आपको ये करना है, इतना ही करते ही आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ फॉर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, की किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करके कौन सा क्वेश्चन को बस. ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है मेरा 2a टेंस टू a, 2a टेंस टू a 4b प्लस 3c. मान लो ये कोई रिएक्शन है. ठीक है, रिएजेंट रिएक्ट्स विद ए बी एंड एज वेल एज सी एंड देयर एन फैक्टर आर इन द रेशियो 2:3:5. ठीक है, कोई मैंने ये मान लो कोई रिएक्शन चल रहा है कंटेनर में, ऊपर से मैंने क्या किया, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई भी रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग, दोनों में से कोई भी डाला, और क्या कर रहा है वो
तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्यों मैंने बोला, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। रिएजेंट रिएक्ट विद, रिएजेंट रिएक्ट्स विद ए बी एज वेल एज सी, ए बी एज वेल एज सी, ए बी एज वेल एज सी एंड वेयर एन फैक्टर आर एंड n factor r and their n factor r in the ratio r in the ratio 2:3:5 ठीक है। if v not, if v not is equal to volume, if v not is equal to volume required at t equal to 0, if volume required at t equal to 0 and vt has volume required at t equal to t, ठीक है, volume required t equal to t, derive expression। अभी यहाँ पे क्या बोला, derive expression, expression का आपको क्या करना है, आपको derive करना है, तो कुछ मत कुछ नहीं करो, पहले मैं reaction लिख देता हूँ। तो वे टेस्ट को गेट 4b प्लस 3c, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे a नॉट दिस ऑफ दिस कैंसिल और t इक्वल टू a पे क्या होगा, a नॉट माइनस 2x 4x और 3x हो जाएगा, क्या ऐसा होगा, पक्की बात, ठीक है। और आपको बस कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंस को बराबर करना है, क्या करना है, इक्विवेलेंस को बराबर करना है। अब यहाँ पे क्या बोला, ऑलरेडी बोला है कि रिएजेंट तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएजेंट क्या कर रहा है, तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से समझना। इसका मतलब जब t इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब सिर्फ इक्विवेलेंट ऑफ a बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट, क्यों, क्योंकि अभी बेटा t इक्वल टू 0 पे b और c तो बना ही नहीं होगा, सिर्फ a ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, n फैक्टर। अब n फैक्टर कितना दिया हुआ, ऑलरेडी दिया है 2, 3, 5, मतलब 2n फैक्टर किसका हो गया, 2k n फैक्टर हो गया, a का * a नॉट 1। अब इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट, इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट मुझे पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो दिया हुआ है, लेट n b नॉट मैंने माना, ये पहला इक्वेशन। t इक्वल टू t पे क्या होगा, t इक्वल टू t पे कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो t इक्वल टू t पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन क्या होगा, अब ये तीनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों, t इक्वल टू t के बाद प्रोडक्ट भी बन जाएगा और ये तीनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए तो इनका तीनों का फैक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2k इसके मोल्स कितने, a नॉट माइनस 2x ak प्लस 3k into 4x plus 5k into 3x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n vt, क्या हो जाएगा बेटा, n vt। आई बस आंसर बेटा, कोई इस पॉइंट में किसी को डाउट है, चलो कोई डाउट नहीं, मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन को, तो 2k a naught माइनस 4k x प्लस 12kx प्लस 15kx इज इक्वल टू एन वी टी। अच्छा 2k a नॉट को मैं क्या लिख सकता, एन वी नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एन वी नॉट माइनस, अच्छा 12, 15, 27 माइनस 4 प्लस 23kx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वी टी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से जो मुझे पता चलेगा वैल्यू, x की वैल्यू कितनी क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है n कॉमन ले लिया vt माइनस v नॉट बाय n vt माइनस v नॉट बाय 23k, क्या हो जाएगा 23k, और यहाँ से v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n v नॉट बाय, ठीक है, तो बस मुझे फॉर्मूला ही तो पुट करना, k बराबर क्या होता है 1/3 ln a नॉट बाय a नॉट माइनस 2x, यही होगा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/3 ln यहाँ पे a नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन वी नॉट बाय 2k डिवाइडेड बाय एन a नॉट की जगह वही करता हूँ एन वी नॉट बाय 2k माइनस माइनस एन वी नॉट माइनस एन वी टी डिवाइडेड बाय 23k, तो k तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस आपको इसको क्या करना है, ओवरऑल सॉल्व करना है और भाई उसका आंसर निकालना है। अच्छा 2 से और मल्टीप्लाई करना, ये गलती हो गई, क्योंकि 2x है ना, x की वैल्यू 2x है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, a0 की जगह
एज इट इज। ठीक है, जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 23 Nm, बस आंसर मैच कर लेना 23V0 / 23V0 - 4Vt। बस कुछ नहीं, हर पॉइंट पे आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस को बराबर करना है। इनिशियल से आपको ए नोट की वैल्यू निकालनी है, बाद में टी इक्वल टू टी पे एक्स की वैल्यू, और इसी एक्सप्रेशन में आपको पुट करना। देखो आप मोस्ट ऑफ हर प्रॉब्लम क्या करते हैं, ए नोट की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, ए नोट की वैल्यू निकालना, एक्स वैल्यू, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बस इतना ही हमें करना ही रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता। ठीक है बेटा, चलो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा रेडॉक्स साइटेशन मेथड, अब है हमारा एसिड साइटेशन मेथड, उसको भी देखिए बड़ा अच्छे से। नेक्स्ट है एसिड बेस साइटेशन, एसिड बेस साइटेशन, एसिड बेस साइटेशन। ठीक है, एसिड बेस साइटेशन की बात करते हैं अब। खैर हालांकि हमारे अब ज़्यादा देर का टॉपिक है नहीं, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है, फिर ऑलमोस्ट आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एसिड बेस साइटेशन को न्यूट्रल लिखूं मैं, CH3CWO C2H5 + H2O H+ है ना, कैटलिस्ट यूज किया तो क्या देगा CH3CWO H + C2H5OH। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब अगर मैं इसको बात करूँ T = 0 पे क्या होगा, ये ए नॉट होगा तब ये 0 होगा, T = T पे क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स होगा, ये एक्स और एक्स हो जाएगा। ठीक है, और T = ∞ पे मान लो तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बात समझ लेना, ठीक है, थोड़ा चीज़ें समझो आप यहाँ पे क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सिर्फ इसी मेथड में आपको वी नॉट भी मिलेगा, वी टी भी मिलेगा, वी इन्फाइनाइट भी मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, जैसे देखो अभी आप बोलोगे सर पूरे रिएक्शन में तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट साइड एसिड मिल रहा है, अगर मान लो एसिड आपके पास ऑलरेडी है तो आप ऐसा टाइटन क्या यूज़ करोगे, बेस, आप बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करोगे, इसके बाद हर पॉइंट पे आप इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बेस यही करने वाले हो। ठीक है, लेकिन सर वी नॉट कैसे आ जाएगा, क्योंकि एसिड तो मेरा टाइम डी के बाद बन रहा है, लेकिन आप एक चीज बोल रहे हो H+ एज अ कैटलिस्ट, वो इनिशियल भी रहेगा और रिएक्शन के खत्म होने से पहले तक हो रहा था, इसलिए इस केस में वी नॉट, वी टी और वी इन्फिनिट। क्यों, इनिशियल वही है, ठीक है, ये नहीं है, बट कैटलिस्ट तो है। T = 0 पे आप किसको किसको बराबर करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ बेस। T = T पे इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट वो तो खत्म नहीं, वो तो है, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और टी इन्फिनिट पे आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब आप कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आई बात समझे, तो टी इन्फिनिट पे क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिट पे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड भी हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो कैटलिस्ट जो है वो एनी टाइम रहेगा, जीरो पे भी रहेगा, टाइम टी पे भी रहेगा, और इन्फिनिट टाइम पे भी रहेगा। ठीक है, तो तीनों टाइम पे क्या कैटलिस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो दैट इज अ कैटलिस्ट, तो आपको हटाना ही नहीं है, जीरो पे भी रहेगा, टी पे भी रहेगा, इन्फिनिट पे भी रहेगा, एसिड कहाँ रहेगा, सिर्फ टाइम टी पे और इन्फिनिट पे। ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन, इज स्टडीड बाय योर मैथमेटिक्स,
studied by calculating the given reaction mixture, the given reaction mixture, the given reaction mixture with a standard solution of base, with a standard solution of base, with a standard solution of base and volume of base required, and volume of base required for titration at different time, for titration at different time, for titration at different time interval, different time interval will be given in the problem, will be given in the problem. So V naught kya ho jayega, V naught ho jayega volume of base required for titration at t equal to 0. Vt kya ho jayega, volume of base required for titration at t equal to t. और V infinite क्या हो जाएगा, volume of base required for titration at t equal to infinite. ठीक है, यह ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं करना मुझे, t equal to 0 पे again equivalent of catalyst is equal to क्या हो जाएगा, equivalent of base. भैया catalyst initial से लेकर last तक हमेशा रहेगा, उसको तो आप हटा ही नहीं सकते. t equal to t पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, let equivalent of base बराबर क्या बन रहा है, n v naught. Equivalent of base क्या है मेरा, n v naught है, आई बात समझ में. और catalyst क्या है मेरा, h plus है. ठीक है, और t equivalent of catalyst plus equivalent of acid, क्योंकि अब tank के बाद acid बन जाएगा, is equal to क्या, equivalent of base. तो मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, equivalent of catalyst को मैं लिख सकता हूँ n v naught, बिल्कुल लिख सकता हूँ n v naught प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यहाँ पे एसिड कितना बन रहा है, एक्स, लेट एन फैक्टर इनटू एक्स मान लेता हूँ, और इक्विवेलेंट ऑफ बेस मेरा क्या है, एन बी टी, क्या मान लेता हूँ मैं, एन बी टी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी नॉट माइनस एन बी टी बाय स्मॉल एन, क्या हो जाएगा, बाय स्मॉल एन, इज दैट क्लियर. ठीक है, टाइम टी इनफिनिट पे क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ अगेन कैटलिस्ट, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस. मुझे अगेन अभी की वैल्यू क्या निकालनी है, ए नॉट बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है निकाल लेंगे, आसान सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है. इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट का मेरा क्या हो जाएगा, वो तो एज इट इज एन बी नॉट रहेगा, प्लस एसिड का कितना बना आपका, ए नॉट बना है, एन फैक्टर इनटू ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी इंफिनिटी. तो ए नॉट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, एन बी इंफिनिटी माइनस एन बी नॉट बाय एन फैक्टर. देखो बहुत आसान सा, आप देख लो कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है. ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1 by t ln a naught by at. ठीक है, तो 1 by t ln a naught की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, n कॉमन ले लेता हूं, v naught v infinity minus v naught by n divided by at. का at क्या हो जाएगा मेरा, a naught minus x, मतलब क्या हो जाएगा, v infinity minus v naught by n by n. ठीक है, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन वी नॉट माइनस एन, अच्छा इसमें भी एन कॉमन ले लेता हूँ मैं, वी नॉट माइनस वी टी बाय एन. ठीक है, एन बाय एन, एन बाय एन और एन बाय एन में क्या करते रहो, कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय टी एल एन वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट माइनस हो जाएगा वी नॉट प्लस वी टी. ओके, क्या हो जाएगा, प्लस वी टी. ओके, सॉरी यहाँ पे वी टी माइनस वी नॉट होगा, माइनस गलती करते ना, वी टी माइनस वी नॉट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे वी टी माइनस वी नॉट होगा, वी टी माइनस वी नॉट. तो जब ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा. ठीक है, तो एग्जैक्टली वैल्यू आई थिंक ये बराबर 1 बाई टी एल एन वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाई
वी इन्फिनिटी माइनस टी। तो आई होप से फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप सो आप ये कर भी चुके होंगे, ठीक है। बस आपको आप ये बोल सकते हो कि सर ये वैलिड फार्मूला है, या आप बोल सकते हो कि ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। तो आई होप से ये आपको मैं समझा दिया। क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिलहाल क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं, बट बली में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको समझिएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट जो बचा है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड वगैरह देखो, आप ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हो क्या, कि अगर आप किसी ऑप्टिकल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर मान लो आप कोई प्लेन पोलराइज पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाते हो, अगर वो रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं करता तो वो इनएक्टिव है। वट एवर जो भी आप पढ़े होगा ऑर्गेनिक में, मैं मान के चुका आपको ऑर्गेनिक वाला मतलब ऑर्गेनिक में आपको याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। C12H22O11, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, H2O H प्लस इस तरीके, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सन ऑफ कैच होगा, ये होता है C6H12O6 C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। इस तरीके से का मेरी रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सुक्रोज है, इसको हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म होता है, डेक्सट्रो फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म होता है, डेक्सट्रो फॉर्म होता है, ठीक है। और ये होता है मेरा ग्लूकोज, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म होता है, ये भी डेक्सट्रो फॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज। और ये क्या होता है, लीवो फॉर्म होता है, ठीक है। तो डेक्सट्रो फॉर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस अल्फा वन से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन से। ये प्लस अल्फा वन हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस अल्फा टू, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा थ्री हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे, ये आपको शायद आपको भी पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, तब जीरो जीरो हो जाएगा। टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, तब ये एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ये जीरो होता है, ये ए नॉट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, बस आप इतना बता, प्लेन और पेन पीपीएल लाइट को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम क्या करते हैं, इनको डालते हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे ये अल्फा को मेजरमेंट करते हैं कि अल्फा कितना आया है, ठीक है। मुझे पता है फॉर्मूला अभी भी क्या है, के बराबर क्या होगा, 1/t ln a नॉट बाय a नॉट माइनस x, आपको इसको रिप्लेस करना है। मुझे पता है थीटा बराबर या अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है थीटा बराबर क्या होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बाय लेंथ होता है, और उसी को जब थीटा कर दोगे तो अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय या अल्फा कुछ और होता है, वो अल्फा कुछ और, ठीक है। जनरली क्या होता है, अल्फा जो होता है ये जो थीटा की जगह अल्फा भी दिया जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो टी बराबर टी जीरो पे इनिशियली आपका जो जो रोटेशन होगा, या अगर रोटेट कर रहा होगा उससे किसके वजह से कर रहा होगा, इसके अलावा तो कोई और तो सब हो नहीं रहा, तो मुझे पता है ये जो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन के, मैं बोल सकता हूँ आर नॉट, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन में अल्फा नहीं डिनोट कर रहा, मैं आर नॉट डिनोट कर रहा हूँ। आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा वन ए नॉट प्लस अल्फा वन ए नॉट बाय एल, क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन में क्या होगा, क्योंकि रोटेशन तो इसकी वजह से सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पे, तो आर नॉट बराबर क्या होगा, प्लस अल्फा वन ए नॉट बाय एल, टी इक्वल टू टी पे। अब रोटेशन किसके वजह से, इसके वजह से भी है, इसके वजह से, इसके वजह से भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बराबर हो जाएगा प्लस अल्फा वन ए नॉट माइनस एक्स बाय एल प्लस अल्फा टू एक्स बाय एल प्लस माइनस अल्फा थ्री एक्स बाय एल, ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रोटेशन आर टी।
इक्वल टू टी इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन आर इनफाइनाइट क्या होता है? अब एंगुलर प्रोटेक्शन सिर्फ इनके वजह से होगा, तो मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस अल्फा टू ए नॉट बाय एल माइनस अल्फा थ्री ए नॉट बाय एल, ये हो जाएगा। हालांकि ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बस आप इनका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एल एन ए नॉट बाय आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी बाय आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे लिए प्रिंसिपल डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही एकमात्र फॉर्मूला है इसके लिए, यहाँ पर कोई अलग से आपको फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा मॉनिटरिंग का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन खत्म हुआ, पार्ट टू हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स का। अब हार्डली तीन लेक्चर या चार लेक्चर का आपका पूरा चैप्टर बचा है, मान के चलिए ये लेक्चर आपको आज ट्यूजडे तो वेनसडे को आप देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्राई करूँगा आपको चैप्टर खत्म करने का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।